वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों मार्केट मूड इंडेक्स जो दिखा रहा है फिलहाल इसका स्कोर दिखा रहा है 27.67 यानी कि एक्सट्रीम फियर जोन में है, क्योंकि लास्ट वीक में जो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट हुई है इससे रिटेल में एक अच्छा खासा पैनिक क्रिएट हुआ है। इसके चलते हमें समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और इसी के चलते हमने आज के दिन में दो इम्पोर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं। आप दोनों के थंबनेल देख सकते हो। एक वीडियो में आपको पूरा मार्केट का सिनारियो क्या है, ग्लोबल सिनारियो, इंडियन सिनारियो, किस तरीके से मार्केट आगे परफॉर्म कर सकता है ये डिटेल में समझाया गया है। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो आपको ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बताएगा। इसके अलावा दूसरे वीडियो में आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स बताए गए हैं, पूरी डिटेल्ड एनालिसिस की गई है और किस तरीके से आपको पोजीशंस आपने बनाने हैं मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है इस वीक में। तो दोनों ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्केट में अगर जिन लोगों को ट्रेडिंग करना है बहुत दिक्कत आती है इस तरीके के मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट फेज में है और इस रिट्रेसमेंट फेज में आप जो भी लॉन्ग पोजीशन अगर आप लेना चाहते हो तो आप एक्चुअली में अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड कर रहे हो। और जब हम कहते हैं कि मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और आप अगर अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही डिफिकल्टी आती है। जैसे कि अगर आपने कोई ब्रेकआउट सेटअप ढूंढा भी तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करते, तो ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। कई बार आप अच्छे सेटअप ढूंढते हो तो भी वो परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि मार्केट ही एक्चुअली रिट्रेसमेंट फेज में, मार्केट में अच्छी खासी डाउनसाइड हो रही है और आप लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट द मार्केट, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको बहुत ही स्मार्टली स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी। ऐसे स्टॉक्स को चुनना पड़ेगा जो मार्केट वीक होने के बावजूद उसमें स्ट्रेंथ हो, और इसके लिए आपको काफी स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की और स्टॉक पिकिंग की। यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने 3 आज इम्पोर्टेंट स्टॉक पिक किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट में इस आने वाले वीक में या फिर मे बी 1 or 2 weeks में। तो इन स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हो। इन स्टॉक में पोजीशन लेना या नहीं लेना ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी खुद की एनालिसिस करने के बाद ही डिसाइड करना है उसमें पोजीशन लेना है या नहीं। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए। इसके अलावा वीडियो में एंड तक बने रहेगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए जाएंगे किस तरीके के स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए आपको, इस तरीके के मार्केट में कैसे स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हिंट दिए जाएंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाएंगे। इससे पहले कि आप भूल जाए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए वरना आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन। स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आप अपना सेकंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो जो कि हर किसी के लिए जरूरी है, तो आप हमारे लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है, जहां आपको लोएस्ट ब्रोकरेज के साथ फर्स्ट 30 डेज के लिए ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज तक फ्री मिलेगा। अपस्टॉक्स में आप इक्विटीज, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स में आसानी से इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ उसने अपना नया रिवैम्प ऐप लॉन्च किया है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है कि अपस्टॉक्स में क्यों डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अपस्टॉक्स इज बैक्ड बाय नन अदर देन टाटा ग्रुप एंड रतन टाटा हिमसेल्फ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट जरूर। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आज आपके लिए लाया हूं वो है टाटा मेटालिक्स। टाटा मेटालिक्स का मैं सबसे पहले आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूं। वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर एक्चुअली में बहुत क्लियर दिख रहा है, शायद डेली टाइम फ्रेम पे बहुत लोगों को ये स्ट्रक्चर क्लियरली नहीं विजिबल हो। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे आपको क्लियरली आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ज पे है। ये ब्रेकआउट एक्चुअली दिया था, थोड़ा सा रिट्रेस कर गया, तो बेसिकली वीकली चार्ट पे आपको ये दिख रहा है किसी भी वक्त ब्रेकआउट हो सकता है स्ट्रॉन्गली। इसके अलावा RSI देख सकते हो, 57 की RSI है, मतलब स्ट्रेंथ पकड़ रहा है और लास्ट 2 वीक्स की वॉल्यूम देखोगे आप, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है इसमें, इसीलिए मैंने इस स्टॉक को पिकअप किया। अब इसको हम डेली चार्ट पे देखते हैं, तो डेली चार्ट पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि ब्रेकआउट हो चुका है और ब्रेकआउट होने के बाद एक्चुअली में ये रीटेस्ट कर चुका है और अब दोबारा अपसाइड के लिए तैयार है। ठीक है, इनकेस अगर वीक मार्केट के चलते थोड़ा सा और रिट्रेस हुआ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आया, तो आई बिलीव इस लेवल से ये दोबारा रिट्रेस कर सकता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। अब क्यों मैंने ये स्टॉक चूज किया और क्यों मैंने ये सेक्टर चूज किया, इनफैक्ट लास्ट वीक की अगर आपने एनालिसिस की होगी, सेक्टोरियल एनालिसिस, तो आपने देखा होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक थे और मार्केट में सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे थे, बैंक्स और मेटल, जो कि बहुत ही स्ट्रांग थे। इस वीक में बैंकिंग सेक्टर भी काफी वीक हुआ है बाय द एंड ऑफ द वीक, और फिलहाल आज की तारीख में सिर्फ मेटल एक ही ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैंने उसी सेक्टर का एक स्टॉक चूज किया। अब अगर आप इसको मेटल सेक्टर के साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पे मैं मेटल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो CNX मेटल मैंने लगाया जो निफ्टी मेटल का चार्ट है, तो निफ्टी मेटल को ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है ना ही उसके साथ चल रहा है, बट मेटल सेक्टर अच्छा चल रहा है और मेटल सेक्टर के कंपेरेटिवली इसने अभी तक परफॉर्म करना शुरू नहीं किया, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि सेक्टर पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसमें आप किन लेवल्स पे एंटर कर सकते हो, बेसिकली आपको इन
लेवल्स के ऊपर आपकी सेफ एंट्री लेवल होगी जो कि है 857। यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट होता भी है तो 857 के ऊपर आप इसमें पोजीशन बना सकते हो और इजीली मुझे आने वाले समय में ये स्टॉक 920,000 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख रहा है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और इस स्टॉक को आप क्योंकि वीकली चार्ट पे आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप इस स्टॉक को पोजिशनली भी थोड़ा होल्ड कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, मे बी 1 or 2, 1 to 3 months आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसमें। वरना अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो इसको आप 5-10% प्रॉफिट के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। ऑफकोर्स अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करिएगा। मुझे इस स्टॉक का चार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है इसलिए मैंने आपके सामने इसको रखा है। आगे अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करिएगा बिफोर टेकिंग एनी पोजिशन। दोस्तों दूसरा स्टॉक जो मैं आपके लिए आज लाया हूँ वो है सुमितोमो केमिकल्स। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने चारों मूविंग एवरेज लगाया 20, 50, 100 और 200। आप देख सकते हो रेड वाला जो लाइन है वो 20 है, 50, 100 और ये 200 मूविंग एवरेज। तो चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है यानी कि बुलिश है स्टॉक इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑल्सो। के अलावा आरएसआई भी आप देख सकते हो 58 है, स्ट्रेंथ गेन कर रहा है 60 के पास है, अप्रोचिंग टुवर्ड 60 जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा क्यों मैंने पर्टिकुलरली स्टॉक को चूज किया आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट आपका डाउनसाइड जा रहा है, मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हो रही है और ये स्टॉक एक अच्छे खासे ट्रेंड में ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे हायर लो बनते जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली हायर हाई नहीं बना है अभी तक बट हायर लो बन रहा है और जैसे ये इस लेवल को तोड़ेगा तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। देखिए ये लेवल वो कौन सा लेवल है, लेवल बेसिकली 495 का लेवल है। जैसे ये 495 क्रॉस करेगा तो आपको अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकता है, बेसिकली 530 से लेके 540 के रेंज तक ये मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। तो इजीली आपको स्विंग ट्रेड के लिए ये परफेक्ट स्टॉक है। इसके अलावा ये स्टॉक सेलेक्ट करने का एक रीजन और ये भी है क्योंकि ये क्लियरली हायर लोस तो बना रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करो निफ्टी के साथ तो आप देख सकते हो निफ्टी का जो ट्रेंड है बेसिकली यहाँ पे अभी करंटली डाउनफॉल दिख रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो अप ट्रेंड दिख रहा है। तो बेसिकली ये मार्केट को आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, मार्केट के ऑपोजिट चल रहा है। तो यहाँ पे अच्छा पॉसिबिलिटी है कि इजीली आप स्विंग ट्रेड में 5-10% का मूवमेंट मिल सके। दोस्तों अगर आप मुझसे किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट या कम्युनिकेट करना चाहते हो चाहे वो किसी भी क्वेरी के कारण हो, चाहे वो स्टॉक रिलेटेड, कंसेप्ट रिलेटेड या फिर हमारे किसी कॉल्स के रिलेटेड या फिर कोई सजेशन या फीडबैक है तो जरूर आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे @trading_professor पे कांटेक्ट कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, ट्विटर पे @manifesttcapital पे आप ट्वीट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपके सारे क्वेरीज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दोस्तों जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश। आज का आखिरी और तीसरा स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है KPIT टेक्नोलॉजी। इसका भी मैं आपको पहले वीकली चार्ट समझाना चाहता हूँ। वीकली चार्ट पे क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कप एंड हैंडल पैटर्न। जैसे ये पैटर्न का ब्रेकआउट होगा आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। इसके अलावा आरएसआई भी आप देख सकते हो वीकली चार्ट पे भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है क्योंकि ये पैटर्न है, पैटर्न फॉर्म होता है तब वॉल्यूम्स बेसिकली ड्राइड अप होते हैं तो जो ब्रेकआउट का मूवमेंट होगा उसमें आपको वॉल्यूम्स पे नजर रखने होंगे। आइए अब इसको डेली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो डेली चार्ट में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर सब बहुत ही करंटली बहुत ही बॉटम पे है तो क्यों आपने आईटी सेक्टर का स्टॉक आप सजेस्ट करो। तो आईटी सेक्टर भले ही बॉटम आउट हो चुका है, आईटी सेक्टर भले ही बहुत ही बीटन अप हो चुका है, मार्केट में अच्छी खासी क्रैशिंग हो चुकी है, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक आईटी सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और ब्रॉडर इंडेक्स यानी कि निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैंने इस स्टॉक को चूज किया। अगर आपको मैं चेक करके बताऊं तो आप देख सकते हो निफ्टी अगर कंपैरिजन लगाओ तो निफ्टी कहाँ परफॉर्म कर रहा है और ये स्टॉक कहाँ परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली निफ्टी के रिटर्न्स देखिए और आप इस स्टॉक के रिटर्न्स देखिए तो निफ्टी को भी अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। और यही चीज अगर हम आईटी सेक्टर से कंपेयर करें इस स्टॉक को तो आप देख सकते हो निफ्टी आईटी जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है और ये स्टॉक आपको 46% के रिटर्न्स देता हुआ दिख रहा है। करंटली ये स्टॉक ब्रॉडर इंडेक्सेस यानी कि निफ्टी और अपने सेक्टर आईटी को भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। बेसिकली इसका मतलब यह है कि स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इवन इन दी वीक मार्केट। तो डेफिनेटली स्टॉक में कुछ अच्छा खासा हलचल हो रहा है, आने वाले समय में आपको कुछ अच्छे न्यूज फ्लो दिख सकते हैं इस स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में अच्छा खासा कैश इनफ्लो आ रहा है, मे बी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यू नेवर नो। आपको आने वाले दिनों में इस स्टॉक के बारे में न्यूज फ्लो पे नजर रखनी होगी। करंटली डेली चार्ट पे भी आपको स्टॉक का आरएसआई जो है 56 दिख रहा है क्योंकि अप्रोचिंग टुवर्ड्स 60 है तो बेसिकली स्ट्रेंथ दिखा रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें अच्छा खासा 5% का मूवमेंट दिखा है और अच्छे खासे
वॉल्यूम्स में पार्टिसिपेशन होता हुआ दिख रहा है, तो बहुत जल्द इसमें आपको एक ब्रेकआउट दिख सकता है। तो अगर आपको इसमें पोजीशन बनाना है तो बेसिकली 1 to 3 months का आप टाइम फ्रेम लेके चल सकते हो इसमें, और एज अ स्विंग ट्रेड अगर आपको इसमें एंटर करना है तो 718 या 20 के लेवल्स पे आप इसमें एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको इजिली 5 to 10% इजिली आपको मिल सकता है, और उसके बाद आप इसको या तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिए या तो ट्रेल कर सकते हो। और अगर आप 1 to 3 months का टाइम फ्रेम दिमाग में रख के आप इस स्टॉक को होल्ड करो तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर करने मिल सकता है। स्टॉक कैन गो अप टू 1000 लेवल्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का तीनों स्टॉक और उसकी एनालिसिस पसंद आई होगी। इन तीनों ही स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आप कन्विंस हो ये स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं तो ही इसमें पोजीशन बनाए, वरना आप इसको वॉचलिस्ट में रख के ऑब्जर्व कर सकते हो, सीख सकते हो। तो अब समय आ गया दोस्तों वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट मार्केट फेज में जो रिट्रेसमेंट फेज है, ऐसे मार्केट फेज में अगर आपको स्टॉक पिकिंग करनी है जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला टिप जो है, आप 52 वीक हाई स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो। वो स्टॉक अगर 52 वीक हाई पे है तो वो डेफिनेटली कुछ रीजन है उसकी वजह से वो 52 वीक हाई पे है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तभी वो 52 वीक हाई पे। तो आप उसमें से सिंपली 20 मूविंग एवरेज लगा के आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर वो स्टॉक 20 मूविंग एवरेज के आसपास आता है, सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, तो आप दोबारा उसमें पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सेकंड चीज, क्योंकि ये मार्केट काफी वीक चल रहा है तो मार्केट में आपको आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को ढूंढना होगा। तो जो भी स्टॉक्स 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है आप उन स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो, उन स्टॉक्स की वॉचलिस्ट बना सकते हो, और उस बेसिस पे उसमें आप साथ में सेक्टोरल एनालिसिस का मिक्सअप करके उसमें से भी स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो। अब आप बोलेंगे क्यों 20 और 50 मूविंग एवरेज, जनरली अगर आप बिगनर हो तो आपको पता होगा, यूट्यूब से भी अगर आपने सीखा होगा तो भी आपको इतना तो पता होगा कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हम रेगुलरली बोलते हैं कि हाँ स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। तो अगर हमको शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है तो हम 20 और 50 मूविंग एवरेज देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अगर 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली बुलिश है, तो आप उन स्टॉक्स पे नजर रख सकते हो, उन स्टॉक्स में डिप्स पे नजर रख सकते हो, डिप्स पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। इसके अलावा आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो जो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहे मार्केट में, तो उन स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी कि आपको इजिली स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छा खासा 5-10-15% इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिल सकता है। इन तीन टिप्स को आप ध्यान में रखिए और इन तीन टिप्स को आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में उतारने की कोशिश कीजिए, और इन तीन टिप्स की मदद से आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने की कोशिश कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए, वॉचलिस्ट बना के उनको ऑब्जर्व कीजिए, और मुझसे भी फीडबैक शेयर कीजिए कि क्या आपको ये तीन टिप्स काम आए और कौन से स्टॉक्स आपने पिक किए थे और वो अच्छा परफॉर्म किए। आज से आने वाले कुछ दिनों में जब भी वो स्टॉक परफॉर्म करे तो डेफिनेटली मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और ना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग वीक।